आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राजधानी दिल्ली अभी प्रदूषण की मार से उभरी भी नहीं थी कि मौसम सितम ढाने को तैयार बैठा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है जिसके अनुसार दिल्ली के तापमान में 13 दिसंबर से गिरावट आने की संभावना है, जबकि 15 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ जाएगी। तापमान में गिरावट की बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 16 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने कहा है कि अगले 3 दिनों के लिए सतही हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। वहीं अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इन पूर्व अनुमानों से दिल्ली की AQI खराब स्थिति में होने की संभावना है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बीते कुछ दिनों में कम आंका जा रहा है। बीते दिनों ही पहले दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में और गंभीर स्थिति में पहुंच गया था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई थी। जैसे ही प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई, वैसे ही सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया। दिल्ली में फिलहाल अभी ठंड इतनी नहीं पड़ी है जितनी सितंबर या दिसंबर के महीने में अमूमन पड़ती थी। अभी दिन में गुनगुनी धूप निकल रही है और सुबह कोहरा भी देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ के चलते तापमान में कुछ इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में मौसम यू टर्न लेगा और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी 10 सितंबर से हो रही है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का सितम जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि दिल्ली में अभी कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। बाकी मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान के चूरू में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी पारा गिरा है। चक्रवात मेंडूस के बाद भी दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम बदला है।